जय हिंद प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मैं आशुतोष। दोस्तों, यूपीएसएससी के थ्रू काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, सीट भी अच्छी खासी आई हुई है और इसकी एलिजिबिलिटी है जो 12th बेस है। तो एक एक करके मैं देखता हूँ इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और ये यूपी की तरफ से आई हुई ये आई है, और साथ में ये भी मैं बताऊँगा आपको कि इसका पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखते हैं कि 26 तारीख का आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन और 20 तारीख तक आपका फाइनल होगा, मतलब 20 तारीख के पहले पहले तक आप फॉर्म फिल कर दें। और दोस्तों ये 27 लिखा हुआ है, मतलब कि आपका अगर फॉर्म में कोई गलतियाँ होती हैं तो उसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और साथ में दोस्तों ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि ईमेल, आधार कार्ड कैटेगरी, जैसे कि मेल, जैसे आपका जो कैटेगरी है जनरल है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल। दोस्तों इसको इसके छोड़कर, मतलब इसके अलावा आप कोई भी अपना, मतलब अगर आपने कोई गलतियां की हैं तो उसको सुधार सकते हैं, बस ये गलतियां सुधार नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो आपको पद हैं जो लगभग 1186 पद हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें कि वेतन इसका जो दोस्तों जो रहेगा लगभग 35,000 के करीबन इसका वेतन रहेगा। आप देख सकते हैं ग्रेड ये दे रखा हुआ है। साथ में दोस्तों इसका ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन, जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं वैसे आपको आवेदन करना है। और इसकी दोस्तों जो उम्र है वो 18 से, आप देख सकते हैं 18 से 40 तक इसकी उम्र है, ठीक है। और साथ में दोस्तों और भी मैं जानकारी देता हूँ इसमें, और क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है। इसमें दोस्तों तो जो मेन चीज़ है फॉर्म भरने का इसमें दे रखा हुआ है। और हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इसकी आवेदन शुल्क जो है, आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग में 160 रुपये आवेदन दे रखा है, और ठीक है टोटल इसका 185 दे रखा है, ओबीसी का 185 दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों एससी एसटी जो है विकलांग का देख सकते हैं 95 95 और विकलांग का 25 टोटल दे रखा है। इतनी फीस है आपको, बहुत कम फीस है आपकी। और दोस्तों अब हम मेन चीज़ इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ दे रखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये वैकेंसी की डिटेल दे रखी हुई है, तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी इसका पीडीएफ आराम से डाउनलोड करके इसका देख सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं दोस्तों इसकी मतलब कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन दोस्तों आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है 12th बेस को आपको होना चाहिए। साथ में कंडीशन दे रखा है कि 25 शब्द आपको हिंदी में आने चाहिए, 30 शब्द आपको इंग्लिश में टाइपिंग होगी, क्योंकि इसमें टाइपिंग होगी सेकंड राउंड। और थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड दोस्तों ये ट्रिपल सी मांग रखा है, ठीक है, ट्रिपल सी अनिवार्य होगा। दोस्तों यूपीएसएससी की कितने भी जितने भी एग्जाम है आपको पता होगा, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या बाहर से, यूपी के सारे एग्जाम में मोस्टली 90% एग्जाम में ट्रिपल सी मस्ट हो गया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं ट्रिपल सी बनवाया तो बनवा लीजिए, आने वाले वैकेंसी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं यूपी के तो आपको बनवाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा। सब में मोस्टली आजकल अनिवार्य, किस विभाग में अनिवार्य कर दे ये अभी पता नहीं सकते, तो इसलिए आप बिल्कुल अभी से बनवा लीजिए। आपकी आयु दे रखी है, जो आयु होती है और जो छूट दे रखी होती है यूपीएससी में। और साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेशन भी दे रखा है, मतलब कि जो क्या कहते हैं उनके लिए भी वैकेंसियां दे रखी हुई हैं। और दोस्तों साथ में ये भी लिखा हुआ है, देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम भी बता रखा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं इसमें। और साथ में दोस्तों और हम देखते हैं कि इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो दोस्तों ये था फॉर्म, अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको इसमें दे देता हूँ। इम्पॉर्टेंट जानकारी ये देता हूँ कि पहला आपका रिटर्न टेस्ट होगा। दोस्तों रिटर्न टेस्ट होगा, क्या सिलेबस है अभी ये चीज़ नहीं आई हुई, आते ही मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी कन्फर्म न्यूज़ होगी वो मैं देने की कोशिश करूंगा। दूसरा दोस्तों टाइपिंग होगा, पहले दोस्तों इंटरव्यू होता था, अब उसको हटा दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रिटर्न टेस्ट होगा, टाइपिंग होगा, फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको भी बताया है कि 10+2 मतलब 12th के बेस पे है, ठीक है, आपका ट्रिपल सी होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप ग्रेजुएशन हो, कोई भी हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, लेकिन दोस्तों ट्रिपल सी मस्ट होगा। आप अगर कंप्यूटर साइंस बीटेक से कर रखे हैं लेकिन आपको ट्रिपल सी रिक्वायरमेंट है, मस्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यूपीएसएससी में मैं बता रहा हूँ ट्रिपल सी ही एलिजिबल होता है, जबकि आप कोई और स्टेट में जाएंगे तो वहाँ बीटेक में कंप्यूटर साइंस मांग लेता है, पर ऐसा नहीं है यहाँ, मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल आप बना लीजिए, सेफ के लिए सही रहेगा आपके लिए, वरना ये
क्या कहते हैं दिक्कत होगी, और मैं बता रहा हूँ आपका लगभग क्या कहते हैं। दोस्तों ये था आपके लिए, तो कोई कोई प्रॉब्लम हो मेरे को जरूर मैसेज में करिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी है, जरूर इसको अप्लाई करिए, और इसमें इस बार कहीं ना कहीं आपके लिए एक मौका हो सकता है यूपी में, एक यूपी में आपको जॉब लेने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।